नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिस मौके पर आज विधानसभा के बाहर महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करती दिखाई दी। आपको बता दें कि सभी दल की महिलाओं ने आज सरकार से आरक्षण और सुरक्षा की मांग करती दिखाई दी। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर सरकार को कहा है कि अब महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए और साथ साथ राजनीति में भी उन्हें 50% तक आरक्षण मिलना चाहिए। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत है। उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी कहा है कि अगर महिलाओं को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने जो सोच है और सरकार को अपने नियम को बदलना चाहिए। और क्या कुछ कह रही है महिलाएं, छोड़े जाते हैं आपको पूरे उनके बयान के साथ। आरक्षण भी मिलना चाहिए, जैसे पंचायती चुनाव में भी 35% जो आरक्षण मिला है, हर जगह रोजगार हो, नौकरी हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। विधानसभा जैसे पंचायती चुनाव में आरक्षण मिल रहा है, विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए सम्मान के साथ। दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को लोकसभा और विधानसभा में 33% ही नहीं, हमें 50% आरक्षण मिले, हम लोगों को सम्मान मिले और हम लोग पर अत्याचार नहीं किया जाए। आज हम लोग को गिफ्ट के रूप में ये होना चाहिए, हम लोग को सम्मान मिलना चाहिए और हर जगह हम लोगों की बातों को सुनना चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम आज महिला दिवस है, सब महिला लोग के धन्यवाद करते हैं। महिला लोग के मान सम्मान भी नहीं है, अत्याचार हो रहा है। बिहार विधानसभा में 50% पार्टियों की महिलाएं। मैडम, आज महिला दिवस है, क्या कुछ कहेंगी? मैं हर उस नारी को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदला है, और अपने हर उस नारी को सम्मान देना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष में रोया है, और मैं बहुत ही बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आप देख रहे होंगे कि नारी की जो स्थिति है अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। नारी अपने अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है, और हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है कि हमारे देश में एक अभियान चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो मैं इतना कहूँगी, और नारियों की वैदिक युग से ही नारी की पूजा हुई है। नारियों की जो जिस तरह से सुरक्षा, जब भी बलात्कार की घटनाएं आती हैं तो निश्चित रूप से महिला होने के नाते सर शर्म से झुक जाता है और दिल भर जाता है। तो मैं इसे इस तरह के चाहूँगी कि समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टि तभी बदलेगी जब समाज की सोच बदलेगी और शासन की व्यवस्था बदलेगी, तभी महिलाएं सशक्त होंगी। महिला आरक्षण का मैं समर्थन करती हूँ और मैं मांग करती हूँ कि विधानसभा में महिलाओं के लिए रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति समाज का कहिए, राजनीतिक रूप से भी कहिए, अभी हमें नहीं मिला है। तो सोच रही है और मांग करते हैं कि महिलाओं को विधानसभा में सीटें सुरक्षित की जाए, आरक्षित की जाए। बिहार में जो पंचायत, हाँ वहाँ पे हम विधानसभा में भी मांग करते हैं कि विधानसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हों।